हेलो फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कभी ना कभी नशेड़ियों को तो देखा ही होगा। नशेड़ी कई तरह के होते हैं। कई होते हैं जो नशे में डिस्को डांसर बन जाते हैं, कई होते हैं जिनको फाइट करने का मन करने लगता है, और कई होते हैं जिनके बारे में कुछ ना बोलो तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये तो बात हुई कि क्या होता है अगर कोई इंसान नशा करता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नशेड़ी जानवरों के बारे में। ये भी बहुत हरामी होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ हम बात करने वाले हैं नशेड़ियों के बारे में, तो ये सब ज़रूरी नहीं है कि नशा सिर्फ अल्कोहल यानी कि दारू का हो। नशा किसी का भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कोआला बियर के बारे में। ये शक्ल से तो बड़े ही सीधे साधे और मासूम लगते हैं, लेकिन असल में बहुत बड़े चूतिए होते हैं। ये बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं और ये नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नीलगिरी के पत्तों का। नीलगिरी के पत्तों का जो रस होता है वो इनके लिए किसी शराब से कम नहीं होता। इस पत्तों से उनको एक अजीब सा नशा चढ़ता है और वो इसके आदि बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर उन्हें नीलगिरी के पत्ते ना मिले तो वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन के जेगुआर की। अमेज़ॉन के जंगल में एक बेल उगती है जिसे वहाँ के आदिवासी प्यार से येजा कहते हैं। वैसे तो शेर और टाइगर जैसे मांसाहारी प्राणी कभी घास नहीं खाते, लेकिन अगर कभी उनके पेट में गड़बड़ हो जाए और अगर उन्हें उल्टी करनी होती है तो वो घास को अपने मुंह में अंदर तक जाने देते हैं और इसके बाद वो उल्टी कर लेते हैं। इसी चक्कर में इन जेगुआरों ने कभी इस याजे के पत्ते को खाया होगा और बाद में वो नशेड़ी बन गए। ये पत्ते वहाँ के आदिवासियों के भी फेवरेट है, क्योंकि उन्हें खाने के बाद उन्हें भी एक अजीब तरह का नशा चढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं इस लंगूर के बारे में। ये लंगूर को अंगूर का नहीं बल्कि इस कैंकर वर्म का नशा चढ़ता है। अगर कभी किसी लंगूर को ये कीड़ा दिख जाता है तो वो उसे पकड़कर अपने दांतों से दबाते हैं और इसी दौरान वो कीड़ा अपने बचाव में हाइड्रोजन साइनाइड की पिचकारी मारता है। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है, वो एक जहरीला पदार्थ है, लेकिन इन लंगूरों के लिए ये एक नशे का स्रोत है। और लास्ट में हम बात करते हैं बिल्ली के बारे में। ये भी एक नंबर की नशेड़ी होती है। इनको नशा कराने वाले पौधे का नाम है कैटनिप और ये इनके लिए कोई ब्रांडेड दारू से कम नहीं है। इसे खाने के बाद बिल्लियाँ क्या करती है ये आप खुद ही देख लीजिए।